हेलो आर्ट लवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल शिवशैली आर्ट बाय विराज गौर। और आज मैं एक पेंटिंग बनाने वाला हूं और मैं आपको बता दूं, ये पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है। एक्चुअली एक फोटोग्राफ है जो मैंने इंटरनेट पे देखा, दो दिन पहले मैंने एक फोटोग्राफ देखा, ये किसी आर्टिस्ट ने क्लिक किया हुआ है। बहुत मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो थोड़ा सा ले रहा हूँ उसमें, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग इमेज है वो, और इस पेंटिंग को मैं नाम दे रहा हूँ सेट मी फ्री। और इस पेंटिंग को बनाना मैं स्टार्ट करूँगा, दो से तीन दिन लगने वाले हैं, क्योंकि मैं एज यूजल थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी 2-3-4 काम है जो मैं करता रहता हूँ। तो आपको बिना इंतज़ार कराते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी डिटेल आपको बताऊंगा। वैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर यूज हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट। बहुत ही अच्छी पेंटिंग होने वाली है ये, तो इस प्रोसेस को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली जो भी वीडियो आने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिलीज में अगर किसी को पेंटिंग से प्यार है, पेंटिंग करते हैं, या उनको आर्ट लवर्स हैं जैसे कि आप हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को वहाँ पर शेयर कीजिए और लिंक भेजिए उनको, ताकि वो देखें और मुझे सपोर्ट मिले, ताकि मैं और एंथुजियास्ट होता रहूँ अगली वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए सीधे जंप करते हैं आर्ट पर। लेट्स स्टार्ट द आर्ट। सो गाइस, ये है कैंसन पेपर 300 GSM, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही पेपर होता है ये। ग्रेन्स होते हैं इनमें जो कलर को अब्सॉर्ब करता है बहुत सही। तो मैंने लाइनिंग खींच ली है, एक थोड़ा सा जनरल आइडिया के लिए एक डिज़ाइन कर लेता हूँ, ताकि कहाँ तक कलर करना है और कहाँ तक छोड़ना है। तो सिंपल सा एक ड्रॉ कर रहा है आइडिया जो मैंने सोचा है। आधा स्काई होने वाला है और आधा सरप्राइज होने वाला है, तो आप आगे देखेंगे। अब ये है वाइट एक्रेलिक, तो पूरे कैनवास को, पूरे पेपर को वाइट एक्रेलिक से कवर कर लेना है, ताकि कलर और अच्छा आउट कर आए। ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ स्काई के लिए, जो एक साइड में पीछे की तरफ स्काई दिखता रहेगा, उसके ऊपर ये क्लाउड्स सारे आएंगे। अब इस एक्रेलिक पेंट की एकदम थिक लेयर यहाँ पे क्लाउड को दिखाने के लिए मैं पूरा सा और करता जाऊंगा, ताकि लगे कि प्योर, मतलब प्रॉपर स्काई है। तो बहुत सारे एक्रेलिक कलर में इस पे डालने वाला हूँ। क्लाउड के शेड्स बहुत सारे होंगे, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें दिखे सारे क्लाउड शेड्स। ये राउंड ब्रश है और इसे टैप टैप पेंट और ये स्काई को राउंड करने के लिए। वैसे इसके बहुत सारे काम आते हैं, बट इसका आज मैं यूज कर रहा हूँ इस राउंड ब्रश से, जो स्काई के
जो क्लाउडिंग मतलब क्लाउड जो होते हैं जो गोल गोल राउंड राउंड शेप, उसको करने के लिए क्रिएट करने के लिए मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ। तो ग्रे का एक और लेयर, एज आई सेड कि बहुत सारा लेयर होता है इसमें, लेयर पे लेयर चढ़ते जाएंगे जैसे जैसे दिमाग में आता जाएगा। तो ये क्लाउड के शेड्स के लिए और ज़्यादा ग्रे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब ये फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है क्लाउड वर्क। अब जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था वो मैं अब यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, इसको स्काई को दिखाने के लिए आधे से ज़्यादा यूज करूँगा। मीन्स ये 21 इंचेस का है तो मैं 11 इंचेस स्काई के लिए रख रहा हूँ और 10 इंचेस ले रहा हूँ मैं पार्टीशन के लिए। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे एक रेलिंग, एक जो आपने देखा होगा कांटे का जो बाउंड्री होता है जो घर के या कंपनीज के बाउंड्रीज पे लगाया जाता है, तो वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पे पेंसिल से मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ जितने लेआउट तक बनाना है मुझे। तो ये सारा एक रफ आइडिया आ जाएगा कि कहाँ तक मुझे कैसे करना है, क्योंकि ये प्रॉपर स्क्वायरिश दिखना चाहिए। तो अब इसको पेंसिल से ही थोड़ा सा डार्क पेंसिल से और थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एक्रेलिक यूज करूँगा, एक्रेलिक कलर यूज करूँगा ब्लैक। तो पहले लाइन खींच लें प्रॉपरली। तो अब स्टार्ट होता है ब्लैक एक्रेलिक का वर्क। यहाँ पे जो तारें होती हैं उन तारों को थोड़ा सा डार्क और हाईलाइट करने के लिए ताकि प्रॉपर दिखे और ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अब देखेंगे फाइनल प्रोजेक्ट इसका। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया था जिस इमेज से, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो मैं थोड़ी और तारें तोड़ कर लाइक इस बाउंड्री के तार को टूटा हुआ दिखा रहा हूँ और इस पर ये बर्ड। फाइनल इमेज बहुत प्यारी होने वाली है, आप देखिए ये एक बर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है।
और इसको मैंने नाम दिया है सेट मी फ्री। तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है गाइस। प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लग रहा है, ये वर्क कैसा लग रहा है, कैसा लगा ये पेंटिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे ही और ज़्यादा प्रेरणा मिले आप लोगों से कि मैं और अच्छे वर्क करूं। मेहनत तो है यार, सी बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इसमें, और इसको मुझे करने में 2 नहीं 3 दिन लग गए। 3 दिन देना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं एक साथ करके मतलब करने नहीं बैठ जाता, थोड़ा टाइम देते कि मतलब 2 घंटे 3 घंटे ऐसे देकर करता रह रहा हूँ। हालांकि एक दिन तो ऐसे ही देना पड़ता है, क्योंकि इसको सूखने में इसका वाइट पोर्शन पूरा और जो एक्रेलिक है इसको सूखने में, उसके बाद लेयर वर्क जो ब्लैक मैं भी कर रहा हूँ ये करने में टाइम लगता है, तो मैं एक दिन दे ही देता हूँ। और वैसे मुझे स्लो करने में थोड़ा सा 3 दिन लग गए इसको। तो अब आपको तैयार हो जाना चाहिए इसका फाइनल रिवील देखने के लिए, तो देखते हैं रिवील। सो गाइस, क्या फील किया आप लोगों ने, कैसी लगी आपको ये मेरी पेंटिंग, कैसा लगा ये आर्ट वर्क, है ना अच्छा, है ना ब्यूटीफुल। सो ऐसे ही बहुत सारे आर्ट मैं और भी लाने वाला हूँ, और आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। और अगर कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, या अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं रेडी रहता हूँ हर सवाल के लिए। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए अगली नोटिफिकेशंस के लिए। और प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को आर्ट लवर्स के पास, जो आपके सर्कल में, आपके फैमिलीज में, आपके दोस्ती यारी में हो। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।